तो हाय एवरीवन, दिस इज अंशुमन कुमार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कैनन R7 का फील्ड टेस्ट। अभी आप जैसा देख रहे हो, मैं हूँ इंडिया डर्ट फेस्ट बैंगलोर में। यहाँ पे कुछ टाइम में बाइक रेस शुरू होने वाला है और काफ़ी सारे जंप्स और प्रॉब्ली बहुत सारा रेस होगा। आई एम गोइंग टू टेस्ट R7, इसका फोटो फीचर्स, वीडियो कैपेबिलिटीज़ क्या है और परफॉर्मेंस एक्चुअल फील्ड में क्या है, वो आपसे शेयर करूँगा। अगर मुझे इसमें कुछ शॉर्टकमिंग लगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए, गिव अ थम्स अप, शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट इट कैन रीच टू अदर्स ऑल्सो। राइट नाउ इट इज़ 11 AM, लगभग 1 बजे शुरू होने वाला है। 6 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है यहाँ पे एंड देर आर वेरियस पॉइंट्स। कहीं पे थोड़ा सा डाउन है, कहीं अप है, काफ़ी हिली एरिया है देवन अली में। सो आई एम जस्ट राइट नाउ ट्राइंग टू फिगर आउट कुछ कपल ऑफ स्पॉट्स जहाँ पे थोड़े अच्छे एंगल्स या फिर थोड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा पिक्चर्स निकालने का या वीडियो शूट करने का। जो कैमरा का हैंडलिंग है प्रीटी नाइसली डन। बॉडी का जो फील है, जो ग्रिप है, वो भी काफ़ी अच्छा है, डीप है। तो इवन आफ्टर अटैचिंग दिस 70-200 जो कि काफ़ी थिक लेंस है, यहाँ पे आई हैव लॉट ऑफ स्पेस टू कीप माई फिंगर्स इन ऑल। तो वो टच हल्का सा हो रहा है बट माई हैंड्स आर क्वाइट लार्ज, बट इट्स कम्फर्टेबल। नीचे हमें यहाँ पे एक ऑटो फोकस टू मैनुअल फोकस का हमें बटन मिलता है जिसको आप चेंज कर सकते हो वेन एवर यू वॉन्ट टू शिफ्ट स्विच यू नो इमीडिएटली टू मैनुअल फोकस। जो डायल बटन्स हैं, सामने शटर का हमारे पास बटन मिलता है, उसके बगल में हमारे पास एक व्हील है और हमारे पास एक जॉयस्टिक भी है। जॉयस्टिक के साथ में भी हमारे पास एक व्हील है। तो इन दोनों व्हील को यूज़ करके आप एपर्चर और शटर को कंट्रोल कर सकते हो। बिकॉज दिस कैमरा इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर फोटोग्राफी। अच्छा, इसमें एक व्यू फाइंडर हमें मिलता है जिसका जो रिजोल्यूशन है विच इज़ अराउंड 2.6 million dots, एंड आई एम प्रिटी नाइसली एबल टू सी एंड यू नो टेक द पिक्चर्स। वन गुड थिंग आई लव अबाउट दिस कैमरा कि यहाँ पे जो ऑन ऑफ का बटन है वहीं पे ऑन ऑफ और ऑन है। जैसे आप ऑन करोगे आप पिक्चर मोड पे हो, और आप अगर को वीडियो मोड पे जाना है तो उसी बटन से आप स्विच कर सकते हो वीडियो मोड पे। सो जॉयस्टिक से हमें हेल्प मिलता है कि अगर आप फोटो ले रहे हो एंड यू वॉन्ट टू चेंज ऑटो फोकसिंग पॉइंट, अगर ये जॉयस्टिक नहीं रहता है तो यू विल हैव टू गो टू द मिरर ऑन द स्क्रीन एंड देन टच एंड चेंज द पोजिशन। अगर आप व्यू फाइंडर के थ्रू शूट कर रहे हो, जॉयस्टिक से यू कैन शिफ्ट द फोकसिंग पॉइंट एंड टेक द पिक्चर। सो दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी नाइस। सो हमें जॉयस्टिक के बगल में AF ऑन का बटन मिलता है, इसको आप ऑटो फोकस स्विच ऑन और ऑफ के लिए कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर आपको बैक बटन फोकसिंग करना है तो वो भी कर सकते हो, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग सम एक्शन शूट, आई मीन देयर विल यू विल नॉट गेट टाइम टू गो हेयर एंड देन स्विच टू मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। राइट साइड में हमारे पास ऑटो एक्सपोजर लॉक का एक बटन है, और उसके नीचे हमारे पास एक बटन है जिससे आप फोकसिंग पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हो, उसको टॉगल कर सकते हो। सो ऑलमोस्ट राइट साइड से आप सब कुछ बटन को यू नो राइट हैंड से, थंब से और फिंगर से यू कैन डू दैट। लेफ्ट में हमारे पास ओनली वन बटन है विच इज़ मेन्यू बटन। अगर आपको मेन्यू सेलेक्ट करना है तो दैट इज़ अवेलेबल हेयर। वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ देयर, यहाँ पे एक लॉक का बटन है। आप अगर वीडियो शूट कर रहे हो या इस सिचुएशन में जहाँ पे आप अपने सेटिंग्स को नहीं चेंज करना चाहते हो तो वो आप उसको प्रेस करके लॉक कर सकते हो, दैट एक्सीडेंटली वो चेंज ना हो। इसका जो टच स्क्रीन है वो भी काफ़ी अच्छा है, अप्रॉक्स 1.6 million का है। बहुत हाई रिजोल्यूशन नहीं कह सकते, बट राइट नाउ ऑल्सो आई एम वेरी कॉन्ट्रास्टिव सिचुएशन में हूँ एंड आई एम एबल टू सी ऑल द फंक्शंस एंड एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। वॉट आई लव अबाउट दिस स्क्रीन कि यहाँ पे आप क्यू को प्रेस करके आप सारे अपने मोस्ट ऑफ द जो क्रिटिकल फंक्शंस है उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। इट इज़ वेरी गुड जब आप अपने आप को शूट कर रहे हो सामने बैठ के या ट्रैवल कर रहे हो, सो यू डोंट हैव टू गो टू मेन्यू एवरी टाइम टू डू द चेंजेस। आप यहाँ पे ऑटो बैलेंस चेंज कर सकते हो, आप इसमें प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, आपको अगर इसमें रॉ या जेपेक सेलेक्ट करना है वो चूज़ कर सकते हो, आपको अगर इसमें हाई स्पीड डिफरेंट कंटिन्यूस या सिंगल शॉट या फिर मल्टीपल शॉट का जो ऑप्शन आता है वो सारा कुछ इसमें आप चेंज कर सकते हो। टच स्क्रीन पे आप टच करके ऑटो फोकसिंग या ट्रैक तो इनेबल कर ही सकते हो, और टच करके आप पिक्चर अगर आपको लेना है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बस एक रिकॉर्ड का टच करके आप रिकॉर्ड स्टार्ट एंड स्टॉप भी कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। द ओनली थिंग इज़ दैट देर इज़ नो टैली लैम्प व्हेन आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आई कांट सी एनी टैली लैम्प हैपनिंग इफ़ आई एम रिकॉर्डिंग लुकिंग एट माई साइड। वैसे स्क्रीन पे आपको REC का आ जाता है, REC दैट मीन्स रिकॉर्ड इज़ हैपनिंग,
बट समटाइम्स ऐसे ब्राइट लाइट सिचुएशन में इट इज़ डिफिकल्ट टू सी इफ इट इज़ एट डिस्टेंस द REC इज़ ऑन और नॉट और रिकॉर्डिंग इज हैपनिंग और नॉट. तो एक टैलिंग लैम्प इज समथिंग विच आई एम मिसिंग. अदरवाइज आई मीन प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन एट दिस प्राइस पॉइंट. सो राइट साइड में हमारे पास कार्ड्स का स्लॉट है और कार्ड्स में हमारे पास डुअल कार्ड है. इसमें आप दोनों पे एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, स्विच कर सकते हो बिटवीन टू कार्ड्स वाइल एक कार्ड अगर आपका ख़त्म हो जा रहा है, ऐसे आप अगर फास्ट शूट कर रहे हो तो वो भी है ऑप्शन. दोनों UHS-II कंप्लायंट कार्ड है तो आप दोनों में रिकमेंडेड है आप UHS-II यूज़ करो बिकॉज जो फॉर्मेट्स है 4K वगैरह या फिर आप इसमें फास्ट जो हाई फ्रेम शूटिंग का कैपेबिलिटी है दैट विल वर्क प्रॉपरली इन UHS-II कार्ड. तो लेफ्ट साइड में कुछ पोर्ट्स का ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. माइक है, एक्सटर्नल माइक अटैच कर सकते हो. HDMI से आप अटैच करके डेटा वगैरह TV वगैरह पे देखना है या फिर आपको स्ट्रीमिंग वगैरह करना है वो कर सकते हो. सी टाइप पोर्ट है विच इज़ 3.0 तो फास्टर है. उसमें आप चार्ज वगैरह कर सकते हो कैमरा बैटरी को, प्लस आप डेटा वगैरह ट्रांसफ़र वहीं से कर सकते हो. देन वी हैव हेडफोन विच इज़ वेरी गुड. हेडफोन में आप जैसे कि आपको अपना ऑडियो रिकॉर्ड करना है, क्वालिटी कैसी आ रही है, प्रोफेशनली साउंड को चेक करना है तो वो सब भी पॉसिबल है. और हमारे पास यहाँ पे एक रिमोट का ट्रिगर अटैचमेंट करने का भी ऑप्शन है. आपको अगर स्टार ट्रेल या नाइट फोटोग्राफी या नाइट में वीडियो वगैरह करना है एंड स्लो शटर स्पीड पे काम कर रहे हो तो आप अटैच करके वो भी कर सकते हो. वैसे दैट इज़ पॉसिबल विद टाइमर ऑल्सो बट इट इज़ देयर एज अ फीचर. कैमरा का जो माउंट है वो सपोर्ट करता है RF लेंस ऑल्सो और RFS. जैसे ये RF लेंस है 72-200 2.8 और जो APS-C बॉडी के लेंस है RFS दैट इज़ ऑल्सो देयर, वो भी यहाँ पे सपोर्ट करेगा. प्लस अगर आपके पास पुराने DSLR के कैनन के लेंस है EF लेंस दैट ऑल्सो यू कैन अटैच विथ अडाप्टर. सो काफ़ी सारा ऑप्शन है. तो कैमरा में हमें 33 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, क्रॉप सेंसर है विथ 1.6 का क्रॉप. तो जैसे मैं ये RF लेंस फुल फ्रेम लेंस यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ 70-200 तो अप्रॉक्स ये 100-320 के आसपास हो जाएगा विथ क्रॉप फैक्टर. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फैक्टर अगर आप इस तरह का कोई शूट कर रहे हो जिसमें आपको थोड़ा जूम की रिक्वायरमेंट है. डाउनसाइड ये है कि अगर आपको लैंडस्केप या यू नो वाइड एंगल ज़्यादा शूट करना है तो वहाँ पे हमारा 1.6 का क्रॉप जो है दैट ब्रिंग्स अ लिटिल चैलेंज. तो हमें वहाँ पे वाइड एंगल लेंस वगैरह यूज़ करके उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है. तो दैट वी हैव टू कंसीडर वाइल चूजिंग द लेंस. हाइब्रिड मिररलेस सिस्टम में अगर आप मार्केट में देखोगे तो प्रिटी नाइसली प्लेस्ड. एक काफ़ी अच्छा फोटोग्राफी के लिए हमारे पास मिररलेस सिस्टम में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं तो वो ये काफ़ी हद तक सॉल्व करता है बिकॉज इसमें 15 फ्रेम आप मैकेनिकल शटर में स्पीड में शूट कर सकते हो, 30 FPS आप ले सकते हो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर में शूट करो. वाइल इलेक्ट्रॉनिक शटर में रोलिंग शटर का प्रॉब्लम आता है, बेंडिंग वगैरह होता है अगर आप फास्ट शूट कर रहे हो, तो मैकेनिकल शटर में भी 15 FPS का जो स्पीड है विच इज़ मोर देन इनफ. हाई फ्रेम रेट के साथ में जो बफर इसका मिलता है, मैं इसको बहुत ग्रेट तो नहीं कहूँगा बट आप लगभग 30-35 मैंने टेस्ट करा है तो 30-35 UHS-II कार्ड में आप रॉ में शूट कर पाओगे. JPEG में इट इज़ मच हायर. रॉ की कैपेबिलिटी के हिसाब से रॉ प्लस JPEG भी अगर आप शूट करोगे तो बिटवीन 30-40 समटाइम 44 डिपेंडिंग ऑन द लाइट सिचुएशन शटर स्पीड एंड ऑल दोज थिंग्स बफर विल द कैमरा विल टेक द पिक्चर्स इन वन गो. सो वीडियो कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं. इसमें हमें मिलता है 4K में 24, 25, 30 and 60 FPS का ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन आप NTC या PAL किस सिस्टम में शूट कर रहे हो. 60 FPS में देर आर टू ऑप्शन. एक आपको ऑप्शन मिलता है जो विदाउट क्रॉप है और दूसरा ऑप्शन है जो विद क्रॉप है. तो एज पर कैनन ऑल्सो जो विद क्रॉप है उसका डिटेल्स इज अ लिटिल बेटर. जो विदाउट क्रॉप है 60 FPS की मैं बात कर रहा हूँ उसमें डिटेल्स इज लिटिल सॉफ्टर देन जो क्रॉप में ऑप्शन है. सो रेगुलर प्रोफाइल के अलावा आपके पास इस कैमरा में ऑप्शन मिलता है टू शूट इन 4:2:10 bit और 4:2:10 bit आप C-Log3 में शूट कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा है फॉर कलर ग्रेडिंग एंड एनी अदर थिंग्स वेर यू आर डूइंग सम वर्क और आपको बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में उसको करेक्ट करना है, चेंज करना है, तो उसमें काफ़ी अच्छा हमें डायनामिक रेंज भी मिलता है. अदर देन 4K HD फॉर्मेट में आप अप टू 120 FPS तक शूट कर पाओगे, 24, 25, 30, 60, 50, 60 and 120 FPS. 120 FPS में साउंड रिकॉर्डिंग नहीं है, अप टू 60 FPS यू कैन रिकॉर्ड साउंड ऑल्सो. नाउ दीज फॉर्मेट्स आर वेरी गुड फॉर स्लो डाउन. आपको अगर कुछ बी रोल क्रिएट करना है या फिर इवेंट में आप अगर स्पॉट शूट कर रहे हो या इस तरह का कुछ काम कर रहे हो यहाँ पे आपको थोड़ा मोशन ब्लर वगैरह या स्लो मोशन में काम करना है तो वो सब भी पॉसिबल है
HD में भी 4K में अप टू 60 FPS यू कैन डू। तो HD में आपका रिकॉर्ड टाइम लिमिट जो है वो अगर आप 60 FPS तक शूट कर रहे हो तो 6 आवर्स तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप 120 FPS शूट कर रहे हो तो अराउंड 90 मिनट्स यू कैन डू। 4K 30 FPS अगर और HQ मोड में आप शूट कर रहे हो तो अराउंड यू कैन डू अप टू 60 मिनट्स। तो 2 आवर्स इज़ गुड इनफ, उसके पहले प्रोबेबली बैटरी विल एग्जॉस्ट। सो टाइम रिकॉर्डिंग का इसमें मुझे कुछ इशू नहीं लग रहा है, इट्स प्रिटी नाइस। सो बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, 770 इफ़ यू आर शूटिंग फ्रॉम LCD, और जो 500 के आसपास है अगर आप व्यू फाइंडर यूज़ कर रहे हो। सीपा रेटेड दीज नंबर्स आर, बट फील परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। आई बीन यूजिंग दिस कैमरा, काफ़ी शूट वूट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यू कैन सी लुक एंड फील विथ हैंड हेल्ड R7 व्लॉगिंग टेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। किट लेंथ में यूज़ कर रहा हूँ, 18mm पे शूट कर रहे हैं अभी। 4K 25 FPS, शटर स्पीड इज़ अराउंड 1/50th of a second, f3.5 है, ISO अप्रॉक्स 250 है। काफ़ी ब्राइट लाइट है पीछे, काफ़ी वॉश्ड आउट हो सकता है आपको दिखे स्काई, एंड यहाँ पे डार्क है। तो व्लॉगिंग सेटअप टेस्ट करते हैं नाउ। 18mm इस कैमरा में हो जाता है लगभग 29mm। सो व्लॉगिंग के हिसाब से आई विल सजेस्ट, जब भी आपको इन्वेस्ट करो लेंस में, और आपका अगर स्पेसिफिक पर्पस है व्लॉगिंग का तो थोड़े वाइड एंगल में इन्वेस्ट करो। कैनन के RF में 1535 भी है, 16mm 2.8 भी है, या EF माउंट लेंस के साथ भी आप और जा सकते हो अडाप्टर के साथ। थोड़ा सा शायद बल्की हो जाए तो वो ध्यान रखना जब भी आप व्लॉगिंग के लिए कंसिडर करो कि लाइट वेट हो। इस कैमरा में हमारे पास इमेज स्टेबलाइजेशन है जो सेंसर में मिलता है बॉडी में, विच इज़ वेरी नाइस। और यहाँ पे हम लॉक करके टेस्ट करते हैं कि कितना स्टेबल हो रहा है। आई एम वॉकिंग नॉर्मली, जो हैंड का शेक है उसको कितना न्यूट्रलाइज कर पा रहा है। अगर आप इसको पेयर करोगे किसी इमेज स्टेबलाइज लेंस के साथ तो यू कैन गेट अप टू 8 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन, वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको लो लाइट फोटोग्राफी करनी है, इवनिंग में वीडियो वगैरह बनाना है, छोटे छोटे क्लिप्स बनाने हैं एंड ऑल दैट, तो बॉडी का इमेज स्टेबलाइजेशन is going to help you so that आप थोड़े कम ISO पे शूट कर पाओगे। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो आप मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ पे हाउ डू यू फील, कैसा इसमें स्टेबिलिटी हो पा रहा है, या इमेज स्टेबलाइजेशन काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो दिस वॉज व्लॉगिंग सेटअप। सो ओवरऑल एक समरी कैनन R7 का, आई थिंक वीडियो फॉर्मेट्स काफ़ी सारे अवेलेबल है, फोटो फॉर्मेट्स है, इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन है, और व्लॉगिंग करके भी मैं चेक कर रहा था हैंड हेल्ड काफ़ी स्टेबलाइज फुटेज आ रहा है। सो नो लो लाइट फोटोग्राफी अगर करनी है, वीडियो शूट वहाँ पर काफ़ी हेल्प करेगा आपको। हाई फ्रेम रेट है तो वाइल्ड लाइफ ट्रैवल स्पोर्ट्स अगर आपको शूट करना है तो वहाँ पर भी काफ़ी हेल्प करेगा। 4K में काफ़ी सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। सो ओवरऑल ए प्रिटी डिसेंट नाइस कैमरा टू स्टार्ट विथ। नाउ हु शुड इन्वेस्ट इन दिस कैमरा, अगर आप थोड़ा सीरियस हो फोटोग्राफी के बारे में, या फिर अगर आप सीख रहे हो एंड यू फील दैट यू नो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन 6 months टू 1 year यू विल बी एबल टू यू नो ऑल द मोड्स, डू लॉट ऑफ फोटोग्राफी एंड वीडियो शूट्स एंड ऑल दैट, देन इट मेक्स रियली सेंस टू इन्वेस्ट इन दिस बॉडी, बिकॉज ये बेसिक से थोड़ा 1+ लेवल पे है। काफ़ी सारे जो मोड्स एंड फीचर्स हैं दैट इज़ नॉट एमेचर लेवल, इसमें आपको प्रो लेवल का जैसे सीलॉग का भी ऑप्शन है, कलर ग्रेडिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। द ओनली कंस्ट्रेंट आई थिंक विल बी द प्राइस पॉइंट, और जो लेंस है वो भी थोड़े से प्राइसी हैं। किट लेंस वगैरह के साथ भी अगर आप जाओगे आप तो इसको एक बजट रेंज का कैमरा नहीं कह सकते, सो दैट प्रोबब्ली विल बी अ लिटिल कंस्ट्रेंट। बट मेरे हिसाब से अगर आपको इन्वेस्ट करना है और फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स यू वॉन्ट टू स्टे इन्वेस्टेड एंड डू लॉट ऑफ स्टफ विद दिस, देन ये काफ़ी सेंस करेगा इस कैमरा में इन्वेस्ट करना। तो होप यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, इस तरह के काफ़ी सारे कंटेंट मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगा। आपका अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, या किसी स्पेसिफिक बॉडी या लेंस या फोटोग्राफी वीडियो से रिलेटेड कुछ आपको जानना हो तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, उससे रिलेटेड मैं आपसे कंटेंट शेयर करूँगा। You can follow me on Instagram. वहाँ पे मैं काफ़ी सारे photos and other things I do share there. Take care of yourself. Goodbye. See you soon.